रफ्तार डग्गा मार ऑटो अनियंत्रित होकर खंती में पलट गया। ऑटो में सवार 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 13 व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। मामला तिंदवाड़ी थाना क्षेत्र के सहिंगा गांव से सामने आया, जहां तेज रफ्तार और मानक से अधिक यात्री लेकर जा रहे तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर खंती में पलट गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देख 4 लोगों को जिला अस्पताल बांदा रिफर किया गया, जिससे अस्पताल पहुंचने से पहले एक महिला और ऑटो चालक की रास्ते में ही मौत हो गई। डॉक्टर ने शवों को मर्चरी से रखवा दिया। अन्य 2 घायलों को जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है, बाकी अन्य लोगों की हालत सामान्य बताई जा रही है। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। लोग की मौत हुई, क्या मामला है? हाँ, ये 2 ब्रांडेड हमारे पास लाए गए हैं, हसमत और अख्तर, अलौसा क्षेत्र के हैं। रिफर्ड केस है, 108 एम्बुलेंस लाए गए हैं और ये दोनों की मौत हो गई है। ब्रांडेड लाए गए हैं और सौ को जो है मोर्चरी में रखवा दिया गया है, पोस्टमार्टम भी भेजा गया है।